हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउन मॉम्स कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना पकोड़े वाली कढ़ी। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, आप चावल के साथ खा सकते हैं इसे। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी, मसालेदार, बहुत ही अच्छी कढ़ी की रेसिपी है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा, अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही पसंद आने वाली है हमारी रेसिपी। इस रेसिपी को मैं पूरा ही आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताने वाली हूँ, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा बनाना कढ़ी को। सबसे पहले हम हमारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जो हमें चाहिए कढ़ी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल कटोरी ली है भरकर बेसन की। आप किसी भी ग्लास या कटोरी से ऐसे माप सकते हैं। और दो कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर ली है दही, हमारी होममेड दही है, तो ये बहुत ही गाढ़ी है, बहुत ही टेस्टी है। आप लस्सी से भी बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसे थोड़ा साइड में रख देते हैं और हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स को दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, रफली कट कर लिया है। ये थोड़ी सी मैंने पालक ली है, ये मैंने दो आलू लिए हैं, और ये मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, और हरी मिर्च है, और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। और इस कढ़ी को मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, आप किसी और कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम हमारी दही और बेसन को मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए ताकि हमारी कढ़ी अच्छी तरीके से प्रॉपर बनकर तैयार हो और हमारी कढ़ी में कोई भी लम्स ना रहे। एक दो मिनट लगेंगे इसे मिक्स करने के लिए। ये बहुत ही इजी मिक्स हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक दो मिनट के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक दो मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा हम पानी ऐड कर रहे हैं और इसे फिर उसी तरीके से मिक्स करना है धीरे धीरे। और आपने मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है और हर एक स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी कढ़ी भी प्रॉपर अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगी। हमारी बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें धीरे धीरे कर और पानी ऐड करेंगे। ये हम कढ़ी 10 से 15 जनों के लिए बना रहे हैं और तरीका यही है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप सभी इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिए, उस हिसाब से आपकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी कढ़ी का घोल बनकर तैयार हो चुका है, आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ा है, तो हमारी कढ़ी में भी कोई लम्स नहीं आएगा, तो हमारी कढ़ी भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब हम तड़का लगा लेते हैं। हमारी कढ़ी को तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में पहले ही मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लिया था और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसे एक दो मिनट के लिए पका लेना है ताकि हमारी लहसुन और अदरक कच्ची ना रहे। और इसमें ऐड कर देना है एक चम्मच जीरा, और इसके बाद हमने ऐड कर देने हैं हमारे प्याज, इसे भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने देना है प्याज को। हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी हरी मिर्च और इसे भी एक दो मिनट पका लेना है। और अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे जो कि बिल्कुल ही सिंपल हैं, बेसिक हैं, जो हमारे घर में हमेशा ही होते हैं। इन सिंपल इंग्रेडिएंट्स से भी हमारी टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार हो सकती है, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो बड़े चम्मच नमक, और मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी एक स्पून चिली फ्लेक्स और एक स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च ज़्यादा ऐड की है तो हमने ज़्यादा मिर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो हरी मिर्च है वो बहुत ही स्पाइसी होती है। और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है।
और आधा स्पून हमने ऐड कर दिया है धनिया पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे टमाटर और थोड़ी सी पालक, इसे भी हमने मिक्स कर लेना है और एक दो मिनट पका लेना है। हमारी कढ़ी का तड़का बनकर तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो आप इस तरीके से बनाकर अपने घर में इजी, सिंपल, टेस्टी कढ़ी, और आप इसे चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और आप अपने मनपसंद के हिसाब से सब्जी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पालक ऐड की है, आलू ऐड किए हैं, तो आप और कोई भी आपको अच्छे लगते हों सब्जी तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आलू हमारे मिक्स हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा मिश्रण जो हमने कढ़ी का तैयार किया था। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी लम्स नहीं है, कोई भी गुठली नहीं है, तो हमारी जो कढ़ी है वो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। और इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, 5 से 10 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगी। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, हमारी कढ़ी अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है, आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है। इसी तरीके से आपको मिक्स करते ही रहना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है जब तक इसमें अच्छा उबाल ना आए। और इसमें हम इसे और टेस्टी बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें फ्रेश जो मेथी आती है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये कढ़ी है तो ये कड़के ही बनती है, इसको 1 से 1.5 घंटा लगेगा पकने में, तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। और आपको जितनी ज़रूरत लगे पानी की आप इसमें धीरे धीरे कर ऐड कीजिएगा और इसे पकाते रहिएगा। आपको कढ़ी में पानी गर्म ही ऐड करना है, उससे कि आपकी कढ़ी जल्दी बनकर तैयार होगी। इसे ऐसे ही मिक्स करते ही रहना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखना है और इसे बहुत ही अच्छा बॉयल आने तक मिक्स करते ही रहना है। हमारी कढ़ी में अच्छा उबाल आ चुका है, आप देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारी कढ़ी को हमने पकाते ही रहना है और मिक्स करते ही रहना है, तो हमारी कढ़ी अच्छी थिक बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम हमारी कढ़ी को दोबारा से चेक कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से उबल कर तैयार हो चुकी है। हमारी कढ़ी को पकते हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारी कढ़ी में। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट और पका लेंगे। हमारी कढ़ी अच्छी तरीके से पककर तैयार हो चुकी है, आप देख रहे हैं ये थिक हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा कटा हुआ हरा धनिया और 10 मिनट रख देंगे, फिर हम सर्व करेंगे हमारी आज की कढ़ी की रेसिपी। हमारी कढ़ी सर्व हो चुकी है, अब मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी हरे धनिए के साथ। और जब आप बोर हो जाएं अनेकों सब्जी खाने के बाद, तो आप इस कढ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसमें हमने परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, आप इस तरीके से बनाकर अपने घर में किसी भी समय इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ और चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और हर एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और अपने घर में बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।